नए वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। हाय फ्रेंड्स, आपकी रोमा आज काफी दिनों बाद फिर लाइव आई है। मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ कि इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ये हम सबकी भलाई के लिए है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल नफरत और गंदगी फैलाने के लिए हो तो ये पाप है। कहते हैं जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है ना, वहीं सबसे ज्यादा धोखा मिलता है। मैंने उससे प्यार किया और उसी ने मेरा व्यापार किया। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये हर एक उस लड़की की कहानी है जो सोशल मीडिया पर लाइव आती है अपनी फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए, आप लोगों के साथ अपना दुख दर्द शेयर करने के लिए। बट इट्स ओके, क्योंकि आज मेरा दिन है। आज मैं आप सबके सामने उन लोगों को एक्सपोज करने जा रही हूं। देखते रहिए। तुझे चाहिए होगा एक रिंग लाइट और वीडियो बनाने के बाद तुझे अच्छा सा फिल्टर चूज करना पड़ेगा। ये सब मुझे चाहिए होगा। अरे ये सब तो मुझे पहले से मालूम है यार। मुझे बस इतना बता कि तेरे जैसे इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर जिसके इतने फॉलोवर्स हैं, वो कैसे बनूं? वो मैं तुझे बताऊंगी, पर ये बता मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा थप्पड़। यार बता ना सीरियसली। अच्छा ठीक है, पहले ये बता कि तुझे इन्फ्लुएंसर क्यों बनना है? नेम के लिए, फेम के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैसों के लिए। पैसे के लिए? ये सब तो तू दूसरी जगह से भी कमा सकती है। अच्छा ये बता तू इन्फ्लुएंसर क्यों बनी? यार मैं रील्स बना के इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी, मैं तो इंटरनेट के जरिए लोगों से कनेक्ट करना चाहती थी, उनके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती थी, उन्हें अपने थॉट्स बताना चाहती थी और उनकी एडवाइस लेके अपनी लाइफ को और बेहतर बनाना चाहती थी। और ये सब करते करते मैं कब इन्फ्लुएंसर बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो पैसे के लिए चाहिए भाई। तू कभी नहीं सुधरेगी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो जो है वही दिखाना, प्रिटेंड मत करना, वरना लोग तुझसे रिलेट नहीं कर पाएंगे। और हाँ, मेरी तरह सुबह शाम एक स्टोरी या कुछ ना कुछ पोस्ट जरूर करते रहना, ताकि लोग तुझे बार बार देख सके, तेरी लाइफ में इंटरेस्ट ले और तुझे अपना मान सके। ये हुई ना कोई एडवाइस? थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अच्छा मैं चलती हूँ, भाभी परेशान हो रही होगी। ओके ठीक है, चल बाय। चल ठीक है, ऑल द बेस्ट। अरे पैसे कब मिलेंगे भाभी जी? अरे कुछ दिन तो रुकिए, हम इंतजाम कर रहे हैं। अरे इंतजाम तो आपके पति भी कर रहे थे और करते करते चल बसे। कैसी फालतू की बात कर रहे हैं आप। अरे आप तो बुरा मान गई, मैं भी तो बुरा मान सकता हूँ ना, मैं तो अपने पैसे मांग रहा हूँ। और ऐसे भी मैंने क्या गलत बात कर दी? पहले आपके पति बोल रहे थे पैसे का इंतजाम करते हैं और करते करते चल बसे, अब आप वही बात बोल रही हो। आप भी अपने पति की तरह इंतजार करने के लिए कह रही, इसका क्या पता कौन कब तक रहे। आपको जो भी बात करनी है ना मुझसे कीजिए। अच्छा जी, आपके भाई के जाने के बाद अब आप हो गया घर की मुखिया? जी हाँ। आपको कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है मुखिया जी, अब आप ही बताओ कि मेरा पैसा कब तक दोगी। हम कैसे मान ले कि भैया ने आपसे पैसे लिए थे, क्योंकि उन्होंने तो हमें कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने आपसे पैसे उधार लिए थे। अरे आपके भैया आपको सब बताया करते थे क्या? हाँ। अच्छा तो ये भी बताते थे कि कितनी गर्लफ्रेंड थी उनकी? क्या बकवास कर रहे हैं आप। अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, तुम दोनों तितलियाँ बकवास कर रही हो। तुम्हारे भैया ने पैसे लेते हुए पेपर साइन किए थे। पेपर साइन किए थे तो दिखाइए पेपर और फिर पैसे मांगिए हमसे, वरना अभी के अभी पुलिस को बुलाऊंगी हमें परेशान करने के लिए। ठीक है ठीक है, अगली बार आऊंगा तो पेपर लेके आऊंगा, चलता हूँ। We'll be right back.
भाभी यहां बैठी हैं आप, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूं। भाभी आप उस भाड़े के गुंडे की टेंशन लेना बंद कीजिए, कर लेंगे कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज। आपको पता है ना भैया को आपके चेहरे पर उदासी नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद है। आज जो तारीख याद है, 13 मार्च। हाँ 13 मार्च, आज के दिन मेरे भैया का देहांत हुआ था और उनकी बरसी है आज। हाँ भाभी याद है मुझे, आज ही के दिन भैया का एक्सीडेंट हुआ था, हम दोनों को छोड़कर चले गए थे। लेकिन भाभी ये दुख बहुत बुरी चीज है, भैया कभी नहीं चाहते थे कि आपकी आंखों से आंसू आए। चलिए मेरे हाथ का बना पिज्जा खाने के लिए, कहती थी ना मैं कभी पिज्जा नहीं बना सकती, सोशल मीडिया बाबा सब सिखा देता है। अब चलिए रोना बंद कीजिए। इतनी रात को कौन हो सकता है? रुक मैं देखती हूँ। तुम फिर आ गए? फिर आ गए। ऐसे कैसे, बड़े बदतमीज हो तुम। मैं बोला था ना दे देंगे तुम्हारे पैसे, रात को ऐसे शराब पी के आने की क्या जरूरत थी? ए, तो पैसे लिए ऊपर से ऊंची आवाज में बात करती है। ए? अरे 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 कहां घुसे चले जा रहे हो? रुको। अरे क्या बाहर तमाशा करूं क्या, अच्छा लगेगा? हाँ और इतनी रात को दूसरों के घर आना अच्छा लगता है? मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी, मैं चला जाता। लेकिन इस लड़की ने मेरे से ऊंची आवाज में बात करी। बच्ची इसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे से पैसे मांगे और वो मर गया, अब मैं पैसे मांग रहा हूँ। ये जो मांगने का रोटेशन है ना, दिमाग खराब हो गया है। ये रहे तुम्हारे सबूत जब तुम्हारे पति ने मेरे से पैसे लिए। अब दोबारा मैं सबूत देने नहीं आऊंगा, पैसे लेने आऊंगा। 10 दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तू, नहीं तो ये जो ज्यादा बोल रही है ना इसे बेच के पैसे ले लूंगा। ने मुझे क्यों नहीं बताया कि उन्होंने कर्ज लिया था? उन्होंने कर्जा लिया होता तो वो भाभी और मुझे जरूर बता। पक्का वो पेपर नकली है। भैया मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आप थे जिन्होंने मम्मी पापा के जाने के बाद घर की जिम्मेदारियां इतने अच्छे से निभाई, और एक मैं हूं जो कुछ कर ही नहीं पा रही है। भाभी का कैसे ख्याल रखूं, इस घर को इस घर के लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम करती हूँ, पुलिस कंप्लेन कर देती हूँ, यही सही रहेगा। पुलिस कंप्लेन के बाद वो पेपर्स असली निकले तो समझ में नहीं आ रहा। काम करती हूँ, पहले भाभी से बात करती हूँ, उन्हें कहती हूँ कि वो पेपर की पुष्टि करवा ले। भाभी भाभी रघु के दिखाए हुए फोटोज और पेपर झूठे भी तो हो सकते हैं। जिस तरीके से कल रात को हमारे घर आया था नशे में धुत, ऐसे कोई मांगता है क्या अपने पैसे? मुझे लग रहा है वो हम दोनों को डरा धमका के पैसे ऐंठना चाहता है। हमें ना पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए भाभी। आई नो रात में आना गलत है, लेकिन वो तस्वीर भी झूठ नहीं हो सकती। हमें किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मैं
मैं देख के आती हूँ। यार तू तो मिलती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाती हूँ। और अच्छा हुआ शायना तुम आ गई। कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ भाभी, लेकिन मुझे इससे जानना है क्या हो गया। कल से कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं। ऑल इज फाइन ना? ठीक है ना रोमा? यार भैया ने ना किसी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे, किसी रघु नाम के आदमी से, और उसने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उसे 10 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं दिए तो। यार तू इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है, तू क्राउड फंडिंग के जरिए लोगों से मदद क्यों नहीं मांगती? क्राउड फंडिंग? हाँ, क्राउड फंडिंग के जरिए तो लोग इलेक्शन के लिए, फिल्मों के लिए, प्रमोशंस के लिए और न जाने किस किस के लिए लोगों से मदद मांगते हैं ऑनलाइन जाकर। आई एम श्योर कोई ना कोई तेरी मदद जरूर करेगा। क्या सोच भाभी? मैं सोच रही थी कि क्राउड फंडिंग की हेल्प से पैसे मांग ही लूं। देख रोमा, ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरे भैया की बदनामी हो। इसमें बदनामी वाली कौन सी बात है भाभी? दुनिया में लोग किसी ना किसी वजह से कभी ना कभी पैसे उधार लेते ही हैं, पर ऐसा तो नहीं है ना कि भैया पैसे लेके भाग गए हो। वो तो बस अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर वो होते तो उस रघु के पैसे उसके मुंह पे दे मार। देख, मैं तुझे समझा रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरी बात जरूर माने, ऐसा कुछ नहीं करेगी। I'm sorry भाभी, कि मैं आपकी बात नहीं मान सकती। हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मैंने पहले ऐसा कभी किया नहीं है। मेरे भैया ने मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना सिखाया ही नहीं, लेकिन आज मैं आप सबसे एक मदद मांगने आई हूँ। मुझे 5 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। मेरे मृत भैया ने किसी से कर्ज लिए थे। सुन के अजीब लगेगा, लेकिन आप लोग अगर हमारी मदद कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं कैप्शन में अपना अकाउंट नंबर और फोन नंबर डाल रही हूँ, और मैं आपसे वादा भी करती हूँ कि ये सारे पैसे मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगी, कि रोमा का वादा है। यार शायना, तेरे कहने में मैंने वीडियो तो बना ली, अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। तू चिंता मत कर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई ना कोई आगे आ जाएगा। कोई आ भी तो नहीं रहा है ना? यार तू इतनी नेगेटिव क्यों हो रही है? मुझे तो पता है ना, उस रघु ने हमें धमकी दी है। जिस तरीके से उस रात को मैं नशे में घर आया था, मुझे डर लग रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत ले, और अगर वो रघु कुछ भी करेगा ना तो तेरे फॉलोअर्स उसको छोड़ेंगे नहीं। हाँ, वही फॉलोअर्स जो रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। यार तू फिर से नेगेटिव हो रही है। कम ऑन रोमा, क्या हो गया है तुझे? सबर रखो, चेयर अप। और अगर तू ही ऐसे दुखी होगी तो अनीता भाभी का क्या होगा? वो तो सारी उम्मीद छोड़ देंगी। तू सही कह रही है, अब टेंशन मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? तो बेस्ट। भाभी कहाँ जा रही हो आप? वो बस। बस क्या? वो सब्जी लेने जा रही थी। सब्जी तो मैं कल ही ले आई थी, वो भी बहुत सारी। भाभी क्या हुआ? रोमा, मैं अपनी शादी की ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। क्या भाभी, आप पागल हो गए हो क्या?
ये ज्वेलरी आपकी अमानत है, इसे ऐसे बेच नहीं सकते। क्या करूं रूमा, अगर इन्हें नहीं बेचूंगी रघु के पैसे कैसे चुकाएंगे हम? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी पहले तो आप रोना बंद कीजिए और सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए, वो अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़ा होता है। चलिए अंदर चलिए। सबूत तो दे दिया है लेकिन अभी तक कोई कॉल नहीं आया, लगता है मुझे खुद ही कॉल करना पड़ेगा। जितना अवॉइड करना है मेरा फोन, बस एक दो दिन और फिर दोनों तितलियों के मजे लेके पैसे वसूल लूंगा। हेलो, कौन? आपका एड्रेस मिल सकता है क्या? एड्रेस किस लिए? आपकी हेल्प करना चाहता हूं, आपका पोस्ट देखा, आपका फॉलोवर हूं। हेल्प करने से पहले सोचा एक बार आपको सामने से देख लूं। ज्यादा सोचिए मत, आपने हेल्प मांगी है तो हेल्प करने वाला आपसे एड्रेस भी तो मांग सकता है ना। मेरे मना करने के बाद भी रोमा ने वीडियो डाल दी, जिससे बात करनी होगी। रोमा ऐसे सोशल मीडिया पर किसी से पैसे मांगना अच्छी बात नहीं है। पर भाभी हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था, और ऊपर से आज एक आदमी घर आने वाला है ऑनलाइन वीडियो देख के हमारी मदद करने के लिए। अच्छा, इसे हर किसी को एड्रेस नहीं देते। आप कौन? मैं अर्जुन, आपका फॉलोवर। फोन पे बात हुई थी ना आपसे? अच्छा तो वो आप थे? जी, वो आपका लाइव वीडियो देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं अंदर आके बात कर सकता हूँ? जी जरूर। मैं आपका बहुत पुराना फॉलोवर हूँ, कल आपको लाइव देखा तो खुद को रोक ही नहीं पाया और आपकी हेल्प करने चला है। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं नहीं मैं ठीक। मैंने अभी आधे घंटे पहले आपके अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर किया है, आप चेक कर लीजिए। आपकी हेल्प की, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनना अच्छा लगा मुझे। मैं चलूं? इतनी जल्दी क्या है, चाय पीकर जाइए। हाँ चाय पीकर जाइए। नहीं एक्चुअली मैं शहर का नहीं हूँ, तो मैं आया था एक बिजनेस के सिलसिले में, तो अभी होटल भी तो देखना है जाके। होटल क्यों? रहने का इंतजाम तो करना होगा ना। वैसे तो हम इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन एक तो आपने हमारी मदद की है और दूसरा आप मेरे फॉलोवर हैं, तो इतना हक तो बनता है कि हम आप पे भरोसा करें। आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकते हैं। आई मीन जब तक आपकी बिजनेस डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक। देखिए ये ठीक नहीं है, भले ही मैं आपका फॉलोवर हूँ लेकिन हूँ तो अजनबी ना। देखिए आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, अजनबी नहीं रुक सकते लेकिन फॉलोअर्स तो रुक सकते हैं ना।
थैंक यू तो हमें कहना चाहिए, आपने हमारी मदद जो की है, और ना आज की डेट में कौन किसी की मदद करता है। ये मेरा रूम है, मैं अक्सर यहीं से लाइव आती हूँ। अपने अच्छे रूम में आप आराम कीजिए, अब थक गए हूँ। सुमा जी, एक बात मुझे कहनी थी आपसे, ये बात मैं कभी आपके साथ लाइव वीडियो पे नहीं कर पाया, आप बहुत खूबसूरत हो। थैंक्स। बाय। शनाया, थैंक यू सो मच। तुझे पता है तेरा आइडिया इतनी तेजी से काम किया कि हमें अगले दिन ही हेल्प मिल गई, और आज हम उस रघु के मुंह पे उसके सारे पैसे दे मारेंगे। तू खुश है ना? बहुत ज्यादा। और तुझे पता है वो बहुत हैंडसम है। अच्छा, ये अट्रैक्शन है या फिर कुछ और? क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन कुछ तो है। हाय फॉलोअर, कमाल है, इतने स्ट्रॉन्ग हो फिर भी डर गए। अब अगर मेरे डरने से किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है तो मैं बार बार डरना पसंद करूंगा। तू इतना क्यूट और इतना अच्छा कैसे हो सकता है? आपने खुद को आईने में देखा है? आपकी पहली वीडियो से फॉलो कर रहा हूं मैं आपको। यू नो, मेरा एक सपना कि रोमा जी मुझे खुद से गले लगाए, और मेरी किस्मत देखिए, कल आपने खुद से मुझे गले लगाया। फिर से गले लगाओ। ये लो, और आज के बाद हमारे घर के आसपास भी मत भटकना। लेकिन आपको इसे बेइज्जती भी नहीं करना चाहिए। मानता हूँ मुझे उस रात नहीं आना चाहिए था, लेकिन इन पैसों की मुझे उस रात बहुत जरूरत थी। शायद मैं अपने पैसे मांगने भी नहीं आता, मेरी बहन अस्पताल में थी, इन पैसों की मुझे बहुत जरूरत थी, और पिछले कुछ दिनों से मेरा बिजनेस भी बहुत लॉस में जा रहा है। अब तो आपका हिसाब बराबर है ना, आप जा सकते हैं। अरे तो फिर मैंने उसको बोला कि तुम एक बार बात कर लो, बात करने के बाद में जैसी कुछ चीजें होती हैं। क्या कर रही हो रोमा, कोई देख लेगा? अर्जुन, कोई देख लेगा तो देख ले, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, हमें लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं डर नहीं रहा हूं, मेरे कहने का मतलब था कि क्या मतलब था? हाँ चुप क्यों हो, बताओ कल रात को जो हमारे बीच में हुआ वो सब क्या था? बताओ अर्जुन, क्या था वो सब? प्यार था रोमा, तुम मुझे गलत मत समझो। तो फिर हाथ हटाने को क्यों कहा? अरे क्योंकि मैं चाहता हूं कि दुनिया को पता चलने से पहले तुम अपनी भाभी को हमारे बारे में बता दो, और हमारे बारे में रजामंदी ले लो। कल को उनको ये ना लगे कि भाई मैंने तुम्हारी हेल्प की, तुम्हें पैसे दिए, और इसका एहसान चुकाने के चक्कर में तुम मुझसे प्यार कर बैठे। अर्जुन, मैं भाभी से बात कर लूंगी, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगी। तुम टेंशन मत लो। ठीक है, चलो। ठीक है क्या? अब ये क्या था,
तुमने कहा ना तुम भाभी से बात करोगी। कहा था करूंगी, की नहीं अभी तक। तो सब तुम्हारे हिसाब से होगा है? जी हाँ, अभी भी और शादी के बाद मुझे भाभी से बात करने जाना, ताकि उसके बाद तुम मुझे खुलेआम प्यार कर सको, है ना? कौन आ रहा तुम्हारा? पता है मुझे। ओ शाइना, हेलो। अच्छा तू जल्दी से मेरे घर आ जा, मुझे एक रील का आइडिया आया है। शाइना आज नहीं हो पाएगा, प्लीज। अब ऐसा करेगी तू? अच्छा ठीक है, आ रही हूँ। ठीक है, मुझे थोड़ी देर के लिए शाइना के घर जाना पड़ेगा। ठीक है, ला मुझे, मैं ले जाता हूँ। चल। अच्छा अब जल्दी से बता कौन सी रील बनानी। अरे रील तो बहाना था, मुझे तो अर्जुन से मिलना था। अच्छा बच्चू, खुद नहीं आ सकती थी घर? अरे ऐसे कैसे चली आती, पहली बार जीजू से मिलने वाली थी। अच्छा जीजू से मिलना है या जीजू को पटाना है? अच्छा ये बता, ये जो ड्रेस पहनी है कैसी है, अच्छी है? टम्पर। यही पहन लूं? हाँ ओके। आपके लिए कॉफी लाई। क्या बात है भाभी, आज आप अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, लेकिन प्लीज भाभी मत कहिए। अभी वो रोमा घर पे नहीं है क्या? आज पूरे घर में आप और मैं, हम सिर्फ अकेले। आप मजाक अच्छा करती हैं। बुरा ना मानो, मैं एक बात कहूँ? हाँ बोली ना। पता नहीं ये कहना ठीक होगा या नहीं, लेकिन कह दूंगी तो शायद मन हल्का हो जाए। बोलिए ना। मुझे आप बहुत अच्छे लगते, एक औरत की तन्हाई एक औरत ही समझ सकती है। प्रकाश के जाने के बाद कई लोग इन आंखों के सामने आते हैं, लेकिन ये आंखें किसी और को उस नजर से दिखती नहीं और ना ही इन्हें मुझे देखने की इजाजत देती है। लेकिन जब से आपको देखा है, आपको छूने का और आपको देखने का मन करता है। देखिए ये दिल कितनी जोर से धड़क रहा है। ये मेरा क्यूट फॉलोवर। हाय। वैसे रोमा से बहुत तारीफें सुनी है तुम्हारी। अब एक फॉलोवर की तारीफ उसका इन्फ्लुएंसर करे तो अच्छी बात है ना। वैसे भाभी शाइना के आइडिया की वजह से ही आज अर्जुन हमारी लाइफ में, इस बात पे चाय तो बनती है। शाइना को एक थैंक यू तो हमारी तरफ से भी बनता है। अभी लाती हूँ चाय। सच में थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? अरे क्राउड फंडिंग का आइडिया देने के लिए। लेकिन क्राउड फंडिंग हुआ ही कहाँ, एक अकेला इंसान ही तेरे काम आ गया। अर्जुन के आते ही इस घर में कितनी खुशियां आ गई ना। क्या करूं, बता दूं रोमा को मेरे और अर्जुन के रिश्ते के बारे में? पता नहीं वो समझेगी या नहीं समझेगी। वो समझदार है, समझ जाएगी हम दोनों के रिश्ते के बारे में। काम करती हूँ, ठीक है बता देती हूँ मैं उसको। भाभी। अरे रोमा तुम, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी कुछ बात करने। भाभी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में बोलो? अर्जुन के बारे में। अरे वाह, मैं भी तुमसे अर्जुन के बारे में ही बात करना चाहती थी।
कहीं रोमा को पता तो नहीं चल गया मेरे और अर्जुन के रिश्ते के बारे में? और अर्जुन का नाम सुन के रोमा के चेहरे की खुशी को देखकर लग रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर मैं इसी के मुंह से पहले अर्जुन के बारे में पूछ लेती हूँ, ये क्या सोचती है अर्जुन के बारे में। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती थी अर्जुन के बारे में? कहीं भाभी को पता तो नहीं चल गया मेरे और अर्जुन के बारे में? इतने टाइम बाद भाभी के चेहरे पर खुशी देख रही हूँ, अगर मैंने उन्हें नहीं, एक काम करती हूँ पहले भाभी से ही जान लेती हूँ कि वो अर्जुन के बारे में क्या सोचती है। किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं भाभी, आप बताइए ना आपको क्या कहना है अर्जुन के बारे में। ठीक है मैं बताती हूँ। अरे बाप रे, ये दोनों तो एक दूसरे को मेरे बारे में बताने वाले। अरे तुम दोनों यहाँ खड़ी होकर बातें कर रही हो, मैं पूरे घर में ढूंढ रहा हूं तुम्हें। लंच नहीं करना क्या? अगर कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो बाद में आता हूं। नहीं नहीं बातें तो बाद में हो जाएगी, चलिए पहले लंच कर लेते हैं। थैंक गॉड बच गया। अब क्या करूं मैं? अगर दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली होती तो प्रॉब्लम हो जाती। रोमा के साथ जो हुआ वो तो मैंने सोचा था, पर जो अनीता के साथ हुआ वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। कैसे अब इन दोनों को एक दूसरे से बात करने से रोकूं? एक काम करता हूँ, मौका पाके दोनों को अकेले में कह दूंगा और यहाँ से जल्दी जल्दी चला जाऊंगा। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, चले लंच करने। हाँ, हाँ। यार एक लाइफ के लिए इतनी तैयारी? हाँ जब देखो रोमांस रोमांस रोमांस, अच्छी बात नहीं आई। मैं क्या करूं यार, तुम्हारे नाम में रोमांस है। रोमांस फिलहाल तो आपका नाम अर्जुन है, अंश होता तो रोमा को मिला के रोमांस बनता। अरे अभी क्या है? अभी अर्जुन है मेरा नाम। yes. क्या हुआ? रोम अर्जुन। ऐसा लगता है किसी साउथ के एक्टर का नाम, रोम अर्जुन। अच्छा ये सब छोड़ो, इधर आओ। मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज तुम्हें अपने सारे फॉलोवर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं सबको बताऊंगी कि मैं अपने अर्जुन से कितना प्यार करती हूँ। वो तो ठीक है, बट यार ये लाइव वाइव जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। छोड़ो ना, ये फॉलोअर से क्या इंट्रोड्यूस करवाना। तुम एक काम करो, तुम लाइव जाओ, कि तुम लाइव जाती हुई बहुत अच्छी लगती है। मैं चलता हूं। हाँ यार कुछ देर में निकलूंगा यहां से। एक सेकंड रुका, किसी का कॉल आ रहा है। हेलो, मैं यहां पर आपके लिए सजी हूं, तैयार हुई हूँ, और आप है कि एक नजर देखने भी नहीं आ रहे। अब आप ही जाओ। सच कहूं तुम्हारे जैसा आज तक कोई देखा ही नहीं। पहले मिले होते काश। अब तो मिल गए। अब सामने फिर भी क्यों याद आ रहा? आप इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? साफ साफ कहना क्या चाहती?
समझ ही तो नहीं आ रहा भाभी कि आप मेरे मरे हुए भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। अर्जुन के साथ मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। इसका मतलब तुमने सब देख लिया? हाँ देखा मैंने, और यकीन मानिए मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तुम्हारे भैया को गए 1 साल हो गया है और उन्हें मैं पल पल याद करती हूँ, कहीं कहीं रात सोती भी नहीं हूँ। और फिर अर्जुन आया और उसे देखते ही मुझे प्यार हो गया। प्यार ही तो किया है मैंने अभी, आपने प्यार नहीं, मेरे प्यार पर डाका डाला है। क्या वो तुम्हारे साथ भी? हाँ। एक इसका मतलब वो हम दोनों के साथ खेल खेल रहा है। तुम तो 3-4 दिन में जाने वाले थे ना, 10 दिन हो गए हैं, कब जाओगे? क्या हुआ? मेरी रूमा मुझे भगाना चाहती है। मत छुओ मुझे, नी गंदी जुबान से मेरा नाम मत लो। क्या बोल रही हुए? 5 लाख रुपए के लिए तुम किसी का शरीर, किसी की आत्मा, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते, उसे खरीद नहीं सकते। क्या हो क्या गया तुम दोनों को? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारी सच्चाई पता चल गई है हम दोनों को। और सच्चाई ये है कि तुम हम दोनों के जिस्म के साथ खेल रहे थे, हम दोनों को यूज कर रहे थे। दोनों को पता चल गया? तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। घटिया? दोनों को पता चल गया? हाय घटिया तो मैं हूं, लेकिन जितना तुम दोनों सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा। बता रोमा मैं क्या सोचता था? मैं सोचता था ये जो लोग गालियां देते ना आपस में एक दूसरे को, मैं इन गालियों का इन्वेंशन कैसे हुआ? फिर एक दिन मैं निकला, भैंसा गया और मैंने जाके शीशे में देखा, ये गालियों का इन्वेंशन तो मेरे लिए हुआ है, ये गालियों का जन्म जो है ये मेरे लिए हुआ है। इतना घटिया आदमी है, अभी थोड़ी सी घटिया बनती और जान लो, क्योंकि जितना तुम दोनों सोच रही हो ना उससे कहीं ज्यादा घटिया हूं मैं। निकल जाओ अभी के अभी यहां से, गेट लॉस्ट। हाय वाह रे जमाना, वाह वाह इंसानियत वाह। मैं तुम दोनों को कर्जे से बाहर निकलवाया, मैंने भलाई की है तुम दोनों की, और अभी तुम लोग बोल रहे हो कि बाहर जा। कहां जाऊं मैं बाहर बताओ? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था यहां पे, तुम खुद चल के आए थे यहां हमारी मदद करने के लिए। तालियां तालियां रोमा जी। अच्छा नहीं बुलाया था, नहीं बुलाया था तूने? फिर ये जो लाइव जाती है तो सोशल मीडिया पे लाइव जाके बोलती है 5 लाख रुपए दे, 5 लाख रुपए दे दो, क्या ये फिर हा? ये इनविटेशन नहीं है? घिनाती है अपने आप से कि मैंने तुम जैसे घटिया इंसान से प्यार किया है। मती? देखो तुम्हें रोमा, देखो तुम्हें घिन आती होगी, मेरे को अभी दोनों के जिस्म से ना खुश पा रही। Get the hell out of here! तब आओ जाओ यहाँ से अभी के अभी। निकल, अभी निकल यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाला, पर अभी तो और बम फटने बाकी हैं। हाँ देख रहा हूँ यार, तो कमाल की लड़की वे, मेरी वेबसाइट के लिए एक नंबर आर्टिस्ट बनेगी, और 5 लाख तो बहुत सस्ता सौदा है यार। ठीक है निकलता हूँ मैं। क्या गंदी वेबसाइट? हाँ गंदी वेबसाइट्स, वीडियोस बनाता हूँ गंदी वेबसाइट्स के लिए मैं। 5 लाख रुपए खर्च किए तुम दोनों पे, 5 लाख, अभी इन 5 लाख से 20 लाख कमाऊंगा मैं। कितना? 20 लाख तुम दोनों की
फुटेजेस है मेरे पास। मैं ऐसा कैसे कर सकते हो? अच्छा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तू लाइव जाके अपने आंसू बेच सकती है सोशल मीडिया पे, मैं तुम दोनों की अश्लील वीडियो नहीं बेच सकता। बहुत गलत कर रहे हो ये अर्जुन। क्या हो रहा है ये? सब लोग ऐसे क्यों खड़े हैं? शनाया, इस इंसान ने हम दोनों को चीट किया है, हमारी अश्लील वीडियोस बनाई है। प्लीज पुलिस को कॉल करो अभी के अभी। मुझे पहले से शक था इस इंसान पे, ये इंसान घटिया ही निकलेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे शर्म तो मुझे भी नहीं आती, इसकी पार्टनर जो ठहरी, तुम भी। लेकिन उस दिन तो तुम इससे पहली बार मिली थी ना? ड्रामा था बेब। अरे तुम दोनों को मैं क्लियर कर, एक्चुअली क्या है ना, हम दोनों वीडियोस बनाते हैं और जो कि ओवरसीज एक्टिव है, तो ऐसा टेंशन मत लो तुम दोनों, इंडिया में तुम्हारी वीडियोस कोई भी नहीं देखेगा, यहाँ पर एक्चुअली ऐसे साइट्स बैन है ना। इसका मतलब तुमने ही इसे हमारे पास भेजा था? She is quite intelligent. हाँ? Of course. वैसे रोमा एक बात बताऊं, सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी पूरी तरीके से जाहिर नहीं करनी चाहिए, वरना समाज में हमसे भी ज्यादा घटिया लोग बैठे हैं। तुम जैसी लड़कियों ने ही लड़कियों को बर्बाद कर रखा है। इसे बहुत सरप्राइज दे दिए तुम दोनों ने आज, एक सरप्राइज मेरे पास भी है। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम दोनों को ही वीडियोस बनानी आती है? आजकल इंडिया में बच्चा बच्चा तक वीडियो बनाना जानता है। बहुत सस्पेंस खोल दिए तुम लोगों ने, एक सस्पेंस मैं खोलूंगी। हाय फ्रेंड्स, आपकी रोमा आज आप सबके सामने फिर से लाइव आई है। आज मैं आप सबके सामने उन लोगों को एक्सपोज करने जा रही हूँ। मुझे जिन्हें एक्सपोज करना था मैंने कर दिया। इस अर्जुन की कुंडली तो मैंने पहले दिन ही निकाल ली थी, लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मेरे साथ ऐसा करेगी ये मुझे नहीं पता था। पुलिस को फोन कर दिया है मैंने, पुलिस आती ही होगी। रुमा बैठ के बात करते हैं ना, तुम बंद करो से। मैं लाइव तब तक बंद नहीं करूंगी पुलिस नहीं आ जाती। जो गलती मैंने लाइव वीडियो पर करी थी उससे मैं लाइव वीडियो पर ही सुधारूंगी, और असली वीडियो तो तब बनेगी जब पुलिस तुम दोनों को अरेस्ट करके ले जाएगी। ये सायरन की आवाज सुन रहे हो तुम दोनों? ये वही सायरन है जिसको सुनकर अच्छे अच्छों की हालत पतली हो जाती है। गिरफ्तार कर लो इन्हें। ले जाइए इन दोनों को और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिएगा ताकि समाज में एक मैसेज जाए, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि कोई और रोमा ये गलती रिपीट ना कर सके, ताकि तुम्हारे जैसा खुदगर्ज इंसान किसी और लड़की का फायदा ना उठा सके। फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट लोगों के भले के लिए, लेकिन अर्जुन जैसे घटिया लोग इसका इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों से खेलते हैं। मैं लोगों से अपील करती हूँ कि मेरी जैसी गलती ना करें, अपना ख्याल रखें। बाय।